जय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पेरा कमांडो। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी। तो साथियों, आ गया खुशखबरी। खुशखबरी है, इंडियन नेवी ने अभी जस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन कुछ दिन पहले जारी किया है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चला, जस्ट अभी नोटिफिकेशन मिला। जो भी इंडियन नेवी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो साथियों, हम ऐसे ही नया नया नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हूँ आप लोगों के पास। तो साथियों, इंडियन नेवी डबल ए और डबल एस आर का जो अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुई, इसमें टोटल जो पोस्ट की बात करें, टोटल 2500 वैकेंसी निकला है, जो पहली बार जो इतना ज़्यादा वैकेंसी निकला है। तो देर किस बात की है, तो फटाफट आप लोग ऑनलाइन जाइए और फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन जो डेट है शुरू हो चुके है, इसका जो डेट है 16/10/2021। इसका मतलब 16 तारीख से, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके है, और उसका जो लास्ट डेट है 25/10/2021। इसका मतलब हमारे पास समय कम है, क्योंकि लास्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो सर्वे डाउन हो जाएगा और बिना मतलब का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, और आपकी जो सपना वो अधूरा रह जाएगा। तो फटाफट पहले रजिस्ट्रेशन करें। देखो, दुनिया के अंदर क्या जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही जो भी कार्रवाई करें। अच्छा, अब मैं बताऊंगा इसका जो फीस है, इसका फीस क्या है। इस बार इंडियन नेवी ने फ्री कर दिया, कोई इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। उसके बाद उसका बात कर रहे हैं, इसकी जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, 10+2 होना चाहिए, विथ साइंस होना चाहिए, विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, अगर ये एजुकेशन आपके पास है तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद हम बात करेंगे जो एडमिट कार्ड, नवंबर या दिसंबर के बीच में आ जाएगी, जनवरी टू फरवरी के बीच में इसकी एग्जाम होगा। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, ढीला मत कीजिए, समय बहुत कम है, पहले बता रहा हूँ। अच्छी तरह से आप लोग तैयारी में लग जाइए। उसके बाद बात करें इसकी फिजिकल क्राइटेरिया, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिजिकल जो क्राइटेरिया बताया गया है, इसमें 157 सेंटीमीटर, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी फिजिकल का जो रनिंग का बात करें, रनिंग होना चाहिए आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग, आपकी जो टाइमिंग दिया जाएगा 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग पूरा करनी है। उसके बाद आ जाता है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का मतलब है, ऐसे तो हिंदी भाषा में उठक बैठक बोलता है, और ऐसे हम लोग जब टेस्ट लेते हैं इनकी, मतलब हम लोग का मतलब मैं भी इंस्ट्रक्टर ही हूँ, क्योंकि मैं भी आर्मी में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ और अभी फिलहाल बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ, तो इसी मेरी नॉलेज के हिसाब से इनको स्क्वाट्स बोलता है, और इसमें स्क्वाट्स भी लिखा भी होता है, उठक बैठक बोलने से क्या समझ जाता है। तो उसको होना चाहिए आपको 20 स्क्वाट्स आपको लगानी है, और बिल्कुल सीधा। अभी मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे चैनल में, मैं लिंक डाल दूंगा और आपको मिल जाएगा। उसके बाद पुशअप्स डेमोस्ट्रेशन की तरफ से आपको लगानी है, जिससे तो अच्छी तरह से अगर आप पुशअप मारने से क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्टर अगर लेने वाला है वो खुश हो जाएगा, आपकी ए टू टेट प्लस आपका डिसिप्लिन देखते, वो डिसिप्लिन और ए टू टेट आपकी सही है तो आधा आपका गलतियाँ माफ हो जाता है। तो इसलिए आपकी डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, और पुशअप्स लगाने का तरीका बढ़िया तरीके से होना चाहिए, मैं पुशअप्स के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन आया है, मेरे को आज ही मिला है, मैं इसलिए अभी जस्ट मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, बिल्कुल देर मत करिए, इस पर जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/2/2002, इसका मतलब 1 फरवरी 2 से लेके 2002 से लेके 31/1/2005, इसका बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यहाँ से आपको गणना किया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखते हुए आप लोग फॉर्म को फिल करें, फॉर्म फिल तभी गलती ना करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया हमारी डेट ऑफ बर्थ गलतियाँ हो गया, डॉक्यूमेंट गलती हो गया। तो इस गलतियों को सुधारे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम के बाद, एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल, मेडिकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मेडिकल भी बिल्कुल तैयारी करें। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल, फिजिकल फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, भारतीय सेना में जाए या इंडियन नेवी में जाए, चाहे इंडियन एयरफोर्स में जाइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को तीन ही चीज़ में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तुम्हारी जो प्लानिंग सही होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं दिल से करना चाहिए, अगर दिल से नहीं करोगी
आधा काम करोगे तो कोई भी चीज को सक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसको पाने के लिए मेंटली फिटनेस, और दूसरी है इमोशनल फिटनेस, तीसरी है फिजिकल फिटनेस। ये तीनों चीज आपको अच्छी तरह से फिटनेस होना पड़ेगा, तभी आप भारतीय सेना में जा सकते हो, चाहे इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो। तीनों सेना में अगर आपको सेवा देनी है और आपको देश की प्रति प्यार है, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। तो साथियों, यही मैंने छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैं पूरा डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि आप लोग पूरा लंबा वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो ऐसे भी लंबा हो चुके हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।